हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पाल वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बॉस से फाइट किया था जो कि बहुत ही मजा आया था। वो एक येलो टाइप का बॉस था, वो थोड़ा मोटू तोंदू टाइप का बॉस था, उससे हम लोग फाइट किए थे। बड़ा ही मजा आया था उससे हम लोग को फाइट करके। वैसे आज तो हम लोग बड़ा ही खास करने वाले हैं। आज हम लोग मोमरेस्ट से फाइट करेंगे और उसका किल करेंगे भाई। चलिए जल्दी से गेम्स को शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग के पास है क्या। हम लोग के पास इतने सारे पोकेमॉन्स हैं और इसमें एक खास बात और है कि हम लोग अपने नाइट विंग्स के लिए शैडल रेडी कर लिए हैं, जिससे कि हम लोग नाइट विंग्स से ऊपर बैठ के सीधा ही एनालाइज कर सकते हैं भाई वर्ल्ड का। बड़ा ही मज़ा आएगा भाई। ये देख रहे हैं कितना ही खतरनाक लग रहा है, मज़ा आएगा ना। और इससे हम लोग बहुत ही आसानी से मोमरेस्ट का किल कर देंगे। हम लोग उतरते हैं और देख लेते हैं वैसे हम लोग के पास आगे सामान क्या क्या पड़ा है। वैसे ये सब हम लोग के पास बहुत सारे फालतू सामान है जिसको कि हम लोग को अपने चेस्ट में रखना है। चले तो हम लोग जल्दी से चेस्ट में सारा सामान रख देते हैं। ये लो भाई, जितना सामान था हम लोग सारा सामान अपना चेस्ट में रख दिए। और देख लेते हैं हम लोग को कुछ रेडी करना है। ये क्या, हम लोग के नाइट में आग लग गया भाई। इसको अंदर बुलाते हैं, नहीं तो ये तो लग रहा है कि जल के ही अपना द एंड कर लेगा। यहाँ से हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं बेकर बेरीज और देख लेते हैं फूड क्या है हम लोग के पास। थोड़ा ईट करते हैं। ये लो, इतना ईट कर लिए। और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा फूड रख देते हैं ताकि ये लोग भी अपना ईट करते रहें। ये लो हो गया। और अभी हम लोग फास्ट ट्रेवल नहीं करेंगे, अब आगे तो हम लोग फुल्ली रेडी हो लेते हैं, तब चलेंगे हम लोग मोमरेस्ट से फाइट करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या चाहिए। हम लोग के पास फायर एरो है, देख लेते हैं फायर एरो का क्या यूज़ है। फायर एरो तो है हम लोग के पास, लेकिन यहाँ पे एक फायर बॉल रेडी करना पड़ेगा जिसके लिए वुड नहीं है हम लोग के पास। वैसे वुड हम लोग कितना कलेक्ट करें भाई, इतना तो वुड हम लोग कलेक्ट किए हैं। देख लेते हैं थोड़ा वुड और कलेक्ट करके लाते हैं। वैसे हमारे पोकेमॉन्स इतना वर्क कर रहे हैं तभी हम लोग के पास कुछ भी वुड नहीं है भाई। यहाँ से आगे हम लोग थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा ही वुड कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपना फायर वॉल रेडी कर सकें। देख लेते हैं इतना काफ़ी है। यस, इतना में हम लोग फायर वॉल रेडी कर लेंगे। करते हैं रेडी थोड़ा फास्ट। वैसे एक तो काफ़ी है हम लोग के लिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ एक पेंगुइन भी वर्क कर रहा है जो कि बहुत ही सही है हम लोगों के लिए, ताकि फास्ट वर्क हो जाएगा। नाइस, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका यूज़ क्या है। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है। एक यहाँ से इसको हटाते हैं, अब ठीक है वो, ये ठीक है। हाँ, अभी को समझ में आया कि हाँ फायर हो रहा है, लेकिन फायर कहाँ हो रहा है। अच्छा, फायर वहाँ पर हो रहा है, इस साइड फायर नहीं हुआ। फायर कहाँ से हो रहा है? वैसे कहीं कहीं फायर हो रहा है, कहीं कहीं हम लोग को फायर दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ भी फायर किए। अच्छा, मेरे ख्याल से वुड के पास फायर होगा क्या, देखते हैं। यस, ये हुई ना बात। या हो सके हम लोग किसी पोकेमॉन्स का किल करेंगे तो वहाँ पे फायर होगा। देखते हैं हम लोग कोई पोकेमॉन्स का आगे तो किल करते हैं, कैसे उनका किल होता है फायर टाइप से। ये हुई ना बात, सही है भाई, आग लग जा रहा है एकदम से। ये लोग कैप्चर कर लिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं था तब भी हम लोग कैप्चर कर लिए। यहाँ से थोड़ा वुड कलेक्ट कर लिए हम लोग। अब और देख लेते हैं और क्या चाहिए हम लोगों को। वैसे हम लोग फ्लाई करके चलेंगे, मोमरेस्ट को पकड़ेंगे। वैसे इस साइड तो कोई मोमरेस्ट दिख नहीं रहा हम लोगों को। सबसे पहले तो हम लोग फ्लाई करके चलेंगे। ये हुई ना बात, क्या बात है ब्रो। ये देखिए बड़ा ही आसानी से हम लोग उड़ रहे हैं, अब मज़ा आएगा। वैसे इतना ही ठीक है, बहुत ही सही है भाई, कितना मज़ा आ रहा है। अरे भाई, ये तो हमें गिरा दिया ऊपर से सीधा। अब यहाँ पे हम लोग दूर दूर थोड़ा मेमोरेस्ट को देखेंगे। ये लो भाई, हम लोग के सामने ही मेमोरेस्ट दिख गया, अब तो मज़ा आएगा। सिर्फ यही एक ही मेमोरेस्ट है, अब इसको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से किल किया जाए क्या उसका। वैसे हम लोग, ये क्या है, गुस्से में आ गया वो। फास्ट फास्ट उतार दो मेरे को, जाओ भाई अब अटैक। मेमोरेस्ट तो बड़ा ही तगड़ा है मेरे ख्याल से। हम लोग बॉल ले लिए भाई अपना, लग क्या रहा है ये हमारा किल कर पाएगा। हम लोग अपना कम से कम धनुष लिए होते तो ज़्यादा ही ठीक रहता। अरे भाई 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 भाई, वो तो खूब देगा एक बार में। ओह शिट 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 शिट, क्या भाई बड़ा ही खतरनाक है वो तो। नाइट विंग्स हमारा उसको दे रहा है, लेकिन ये लो छोटा है लेकिन बड़ा ही पावरफुल है। ये देखिए ना क्या बात है, 38 लेवल का है भाई ये मेमोरेस्ट। एक मिनट, हम लोग अपना ये लो
एरो लाइन आग निकालेंगे भाई। बच गए बच गए बच गए। ये तो सीधा हमारे ऊपर ही निशाना लगा रहा है भाई। ये लो गया वो। क्या लग रहा है हम लोग किल कर पाएंगे उसका? बड़ा ही वीक है भाई वो तो। थोड़ा बच के भाई, अभी किल किया वो मेरा। वो शिट 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 शिट, बचते हम लोग भागे निकलते हैं इस साइड से। अरे भाई किल हो गया क्या हमारा? वो एक पोकेमॉन्स किल हो गया भाई हमारा बहुत ही फास्ट। देखते हैं इससे क्या होता है भाई। इतना आसान नहीं है, आगे निकलते हैं आगे। तो वैसे बड़ा ही स्लो हम चल रहे हैं। ये लोग अपने डॉगीज को भेजते हैं, उसके आए से सीधा किल करेंगे। ये लग रहा है ये कर क्या रहा है? ये नाइट का एंजॉय ले रहा है क्या? अंधेरा हो गया जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं रहा है क्या? इतना में तो हम लोग इसका किल कर देंगे। किल करते तब तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि किल हो पाएगा इसका। मज़ा चखा देंगे तो क्या बात है भाई। भाई सबसे मतलब कि ओ शिट शिट ओ माय गॉड। निकलते हैं इस साइड से। अरे भाई अभी तो हमारा वो वाला पोकेमॉन्स का भी किल हो जाता, उसके ऊपर तो जैसे कुछ असर ही नहीं कर रहा है। कैसे किल करेंगे हम लोग इसका? सारा का सारा हम लोग का एरो भी चला जाएगा भाई इसे किल करने में। ये हमारा एक पोकेमॉन डैमेज हो गया। पानी के अंदर तो हम खुद ही आ जा रहे हैं भाई। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे उसका किल किया जाएगा हम लोग? ओ ये अपना किल था। ओह शिट ओह माय गॉड, ये हम लोग से नहीं हो पाएगा भाई। दोबारा से कोशिश करना पड़ेगा। वैसे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ से रेडी कर लेते हैं और फिर दोबारा से मेमोरेस्ट से फाइट करने चलते हैं। और इस बार हम लोग थोड़ा माइंड से वर्क करेंगे। जब नाइट होगा तब हम लोग चलेंगे मेमोरेस्ट से फाइट करेंगे, क्योंकि उस टाइम मेमोरेस्ट सोया रहता है और डैमेज बड़ा ही कम होता है। तब तक देख लेते हैं हम लोग क्या रेडी करना है। हम लोग रेडी कर लेते हैं और थोड़ा आगे तो फूड ईट कर लेते हैं हम लोग, और सारे अपने पोकेमॉन्स को भी फूड ईट करा देंगे। हम लोग अपने पोकेमॉन्स को चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाले पोकेमॉन्स का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है, जिसकी वजह से यही पोकेमॉन्स को हम लोग को ले जाके अटैक करना होगा। थोड़ा नाइट का इंतजार करेंगे, तब तक चल लेते हैं एक दो पोकेमॉन्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चल लेते हैं क्योंकि हम लोग अभी ये वाले पोकेमॉन्स को कैप्चर नहीं किए हैं, और देखते हैं इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रात होगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और चल के हम लोग दोबारा से मेमोरिस्ट पर अटैक करेंगे। वैसे एक मेमोरिस्ट तो यहाँ पर भी पड़ा है भाई, यहाँ से भी सीधा हम लोग मेमोरिस्ट का किल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेमोरिस्ट पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेमोरिस्ट बहुत ही पावरफुल हो सकता है। 31 लेवल का ये मेमोरिस्ट, इसको आगे छोड़ते हैं। ये एक बड़ा वाला पोकेमॉन हम लोग यहाँ पे देखे थे, हाँ ये पोकेमॉन है ना, इसको कैप्चर करते हैं। अपने नाइट विंग्स को आगे छोड़ते हैं हम लोग। जाओ भाई नाइट विंग, लेवल 17 है, ज़्यादा मुश्किल भरा वर्क नहीं हो सकता है। ये लो, तभी ये थोड़ा पावरफुल होगा। ये तो कैट टाइप का लग रहा है, पिछवाड़े पे देंगे हम लोग। अरे मेवरेस्ट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? चलो मेवरेस्ट तो गया। हमें लगा मेवरेस्ट अटैक करेगा हम लोग के ऊपर। पिकल लेवल कम है, वैसे इसको भी हम लोग कैप्चर कर लेने तो काम बन जाएगा हम लोगों का। मेवरेस्ट से फाइट करने के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। देखते हैं भाई इसका किल ना हो जाए। थोड़ा संभल के इसको कैप्चर करना है हम लोगों को। थोड़ा और इसको घायल करते हैं। कैप्चर होगा, ये कैप्चर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बहुत सही, वेरी गुड, कैप्चर कर लिए ब्रो हम लोग, क्या बात है। नाइट विंग्स को बुलाते हैं। आगे तो हम लोग अपने एक पोकेमॉन्स को चेंज करते हैं। अब आ ही गए तो थोड़ा हम लोग एरो भी रेडी कर लेते हैं। वैसे हम लोग एरो रेडी कर लिए हैं, अब चल लेते हैं। जितना भी हम लोग के पास फालतू सामान है ना, वो सब अपने चेस्ट में रख देते हैं। वो सब ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लगभग हम लोग सारा सामान रख दिए। अब देख लेते हैं वैसे हम लोग को करना क्या है। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। ये देखिए हम लोग के पास क्या है, सारे के सारे हम लोग के पास डायमंड के हो गए हैं। जैसे कि हम लोग का डायमंड का पिकैक्स हो गया है और डायमंड का एक्स हो गया है। ये देखिए भाई क्या खूब है ना, डायमंड का पिकैक्स और ये डायमंड का एक्स। इससे हम लोग वुड बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए येलो, इतना वुड हम लोग कलेक्ट कर लिए। ये एरो इतना रेडी हो चुका है, हम लोग इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं।
अभी हमारे पॉकीमॉन्स और भी एरो रेडी कर रहे हैं, उनको रेडी करने देते हैं। यहाँ से इतना हम लोग स्टोन कलेक्ट कर लिए, अब देख लेते हैं हम लोग अपने आर्मर को फिक्स करते हैं। वैसे अब ठीक है, हम लोग अपने पॉकीमॉन्स को चेंज कर दिए। ये देखिए हम लोग के पास ये सब पॉकीमॉन्स है, हम लोग को चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो जो हमारे पास छोटे छोटे पॉकीमॉन्स थे वो मेमोरिस्ट का किल करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो बहुत ही जल्दी चले जाते थे, जिसकी वजह से हम लोग को चेंज करना पड़ा। चलते हैं कोई और बिग पॉकीमॉन्स को पकड़ते हैं क्योंकि मेमोरिस्ट से अभी हम लोग फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पे वैसे एक बिग पॉकीमॉन्स हम लोग को दिखेगा, देखते हैं उसको ढूंढते हैं, आई होप कि इस साइड हो वो। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉकीमॉन्स हैं, हो सके तो वो बड़ा वाला पॉकीमॉन्स यहाँ पर होगा, उससे हम लोग फाइट करेंगे। ईट करके चलेंगे भाई, थोड़ा कुछ ईट करके चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये लो ईट कर लिया हम लोग, अब एंट्री लेते हैं, देखते हैं ये है क्या, कितना बड़ा पॉकीमॉन्स है। ये क्या है, ये तो कैटलेस करके कुछ नेम है इसका। ये आते ही तुरंत हम लोग पर अटैक कर दिया, नाइस, बहुत सही। देखते हैं होता क्या है, हम लोग इसका किल कर सकते हैं कि नहीं। 23 लेवल का है ये, किल हो जाए तब तो मज़ा आ जाएगा। ये लो अपने नाइट विंग्स को भेजें, ये लो, बहुत सही, नाइट विंग हमारा अच्छा मज़ा चखा रहा है उसको। ये लो, ये लो, वॉ भी हम लोग के पास तगड़ा वाला है। हमारा आर्मर डैमेज हो गया, अरे भाई हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बच के। ओह शिट, हो जाएगा ना डैमेज, फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नाइट विंग्स हमारा चला गया और हम लोग ध्यान भी नहीं दिए। नाइट विंग्स जाओ, नाइट विंग्स तो वैसे चला गया, अपने डॉगीज को भेजते हैं। ये डियर देखते हैं क्या करता है, बहुत ही डियर बहुत ही अच्छा अटैक किया, नाइस, डियर बहुत ही अच्छा अटैक कर रहा है। वैसे डियर पे भी अटैक हो रहा है हमारे, अभी एक बार में डियर चला जाएगा। डियर को हटाते हैं, डायनोसॉर्म को भेजते हैं, देखते हैं। ग्रीन टैल, ये डोरीमोन टाइप का है, ये भी कुछ कर रहा है वैसे, हल्का सा तो किल वो भी कर रहा है भाई, डैमेज हो जाएंगे। पावर देखिए हमारा कितना बचा है, थोड़ा फूड ईट करना पड़ेगा नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इतना आसान नहीं है इसको पकड़ना, ये तो हमारे ही पीछे आ रहा है। एक शील्ड लगा था हमारे ऊपर कि बच गए हम लोग, नहीं तो फिर तो चले ही जाते हैं। या बूम, थोड़ा बच के, जैसे ही किल होगा हमारे ऊपर, नाइस, ओ शील्ड दोबारा से डैमेज हो गया भाई, अंधेरा छा गया आंखों के सामने। निकलते हैं इस साइड से, देखते हैं क्या होता है। अरे भाई भाई भाई, गए 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 गए, अब तो गए। ओह शिट, बस थोड़ा सा भाई बचा है हम लोगों का पावर, अभी तो हम लोग चले जाएंगे। थोड़ा ईट करना पड़ेगा हम लोगों को। ये लो अपना डियर भी गया, सारे के सारे गए भाई, होगा क्या हम लोग के साथ। जा भाई, ये जा क्यों नहीं रहा है, अटक कहाँ गए हम लोग, एकदम से चिपका लिया था हम लोगों को वो तो। भाई 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 भाई, बच के। ये दोबारा से अपने पास आने लगा, वो सारे के सारे चले गए हमारे। खड़ा हो जा भाई, कर क्या रहा है ये, बस ये इतना डॉगीज ही बचा है, ये कुछ कर पाएगा। वो बच के बच के बच के, डैमेज हो गए, अब नहीं बचेंगे लग रहा हम लोग। थोड़ा सा ही बच गया, नहीं तो अभी तो चले जाते हैं। जाओ भाई, कुछ तो कर दो, हल्का से घायल कर दो। कैप्चर कर लेंगे क्या, वैसे भी पावर उसका कुछ ज़्यादा ही है, अभी कैप्चर नहीं हो पाएगा ये। ओ
अब हो जाएगा कैप्चर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही पावर है कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओह शिट, कैप्चर करने के चक्कर में हम लोग चले जाएंगे भाई। जाओ अपने डॉगीज, फूड हिट करते हैं भाई, अपने डॉगीज डैमेज। बच गए बच गए बच गए थोड़ा सा। ओह शिट, फिर दे दिया भाई एकदम से। भाई अपने डॉगीज भी गए तो बड़ा ही मुश्किल है। बस यही हल्का सा पावरफुल है, कैप्चर हो जा भाई। अब हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को। ओह शिट, ओह माय गॉड, ये बॉस को हम लोग कैप्चर कर लिए भाई, क्या बात है। थोड़ा एकदम से हालत ख़राब हो जाता, मुश्किल था लेकिन इसको कर दिखाए हम लोग, है ना, मज़ा आ गया ब्रो। चलते हैं आगे अपने हाउस पर, देखते हैं वहाँ पे हो क्या रहा है। हम लोग के पास बहुत सारे पोकेमॉन्स आ गए हैं, एक हम लोग अभी कैप्चर करके लाए हैं। आगे तो चलते हैं, हम लोग सोते हैं, वैसे मॉर्निंग तो हो गया। भाई ये बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन्स लग रहा है। अपने पोकेमॉन्स को हम लोग यहाँ से किसको हटाएं, एक पोकेमॉन्स को हटाना पड़ेगा तब जाके उसको हम लोग ले पाएंगे। कहाँ गया जिसको हम लोग कैप्चर करके लाए हैं। 99 सबका लेवल लगभग सेम चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉगीज़ को अपने हटाते हैं, लेकिन डॉगीज़ को हटा देंगे तो हम लोग बड़ा ही स्लो चलेंगे। कोई नहीं, हम लोग डॉगीज़ को हटाते हैं। ये देखिए अब बड़ा ही मज़ा आएगा भाई, येलो, क्या बात है। यही पोकेमॉन्स को हम लोग कैप्चर किए, बड़ा ही तगड़ा ये पोकेमॉन्स है ना। आगे तो चल लेते हैं फटाफट से, हम लोग एरो कलेक्ट करते हैं और एरो रेडी कर लेते हैं। ये लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए, एरो रेडी होने देते हैं, तब तक हम लोग कुछ और वर्क कर लेते हैं। ये लो रेड हो गया भाई, अब रेड से भी हम लोग को पीछा छुड़ाना पड़ेगा जल्द से जल्द। कौन आ रहा है वैसे, कोई दिख रहा नहीं अभी तो। अच्छा उस साइड से आ रहे हैं सब, आने देते आने देते, किल कर देंगे उसका एक बार में ही हम लोग। हो गया भाई, सारे के सारे चले गए। वैसे जितना भी सामान है हम लोग के पास, हम लोग अपना सारा सामान रख देते हैं, क्योंकि फालतू चीज़ें हम लोग लेकर अब नहीं चलेंगे। वैसे अब हम लोग एक और बड़े पोकेमॉन्स को पकड़ने चलेंगे, जो कि वो भी बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, और वहीं पर चलेंगे हम लोग, दो दो बड़े बड़े पोकेमॉन्स को पकड़ेंगे। हम लोग को चलना है वैसे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग चलेंगे एक ये किंग पाका को पकड़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक अजूरोबे को लेकिन हम लोग पकड़ेंगे। उतना आसान नहीं हो सकता, कुछ दूर पर है, लेकिन कोई नहीं, तब भी हम लोग चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग किंग पाका को पकड़ेंगे। चलते हम लोग फास्ट ट्रेवलिंग करके, यहाँ से हम लोगों को इस साइड जाना है। ऐसा कर लेते हैं, हम लोग नाइट विंग को बुलाते हैं और उसके साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि नाइट विंग सीधा हम लोगों को ऊपर उड़ा कर लेकर चलेगा, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग उतना ऊपर जा ही नहीं पाते जल्दी। एक मिनट, जाते जाते यहाँ पर कुछ हम लोग को एक दिखा, ये एक हम लोग यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये एक यहाँ से हम लोग आगे तो ले लेते हैं, बहुत सारे एक हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं। अब देखते हैं ऊपर चलते हैं, हम लोग स्पेल नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग के पास स्पेल बहुत सारे पड़े हैं। लग रहा है यहाँ पर कोई है, किसी को लोग बंदी बना के रखे हैं। यहीं से हम लोग उतर लेते हैं नीचे, नाइट विंग्स को अपने आगे तो भेजते हैं। जाओ नाइट विंग्स, फाइट करो भाई, सिंडिकेट ठग हैं ये सभी। एरो है हम लोग के पास, नाइट विंग्स पे अटैक हो रहा है हमारे, जाओ भाई। ऐसा कर लेते हैं अपने डियर को भेजते हैं, डियर ज़्यादा ही पावरफुल रहेगा क्योंकि डियर सीधा ही अटैक करेगा इनके ऊपर। नाइस, गया एक बार में, गए सारे के सारे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से छुड़ा लेते हैं। ये लेकिन बड़ा ही प्यारा, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये, है क्या? उसका दांत देखिए भाई, बड़ा ही मतलब ख़तरनाक है। अरे भाई भाई ये क्या था, ये कैसे कैसे ये हमारे पोकेमॉन्स को मार रहा था भाई। किल कर दिए, सारा रास्ता क्लियर है। अब हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से, देखते हैं बड़ा वाला पोकेमॉन्स कहाँ पे है। वहाँ पे कुछ हम लोग को मिला है, आगे चलकर जल्दी से हम लोग कलेक्ट करते हैं। आई होप कि मेरे ख्याल से बड़ा वाला पोकेमॉन्स वहाँ पे होगा, चलते हैं उससे थोड़ा फाइट करते हैं हम लोग। ऐसा कर लेते हैं, अपने नाइट विंग को बुलाते हैं और उड़ते हुए हम लोग चलेंगे, ज़्यादा ही ठीक रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे, और वहाँ पे लेकिन इस साइड सारा का सारा एकदम से पहाड़ी इलाका है, बहुत ही जल्दी हम लोग को पार करना पड़ेगा ये सभी को। अच्छा वहाँ पे वो कुछ ये चर्च है, यहाँ से अनलॉक करते हैं फास्ट ट्रेवलिंग का ऑप्शन। ये भी कुछ मिला हम लोगों को, बैटरी ट्रेवल करके आगे तो चलते हैं हम लोग। वैसे आजू बाजू बस सिर्फ सारे के सारे मेमोरीज ही दिख रहे हैं हम लोगों को, देखते हैं ये है क्या। पालिफेयर को कलेक्ट करते हुए हम लोग अंदर चलेंगे। ऐसा कर लेते हैं, हम लोग टॉर्च ले लेते हैं, टॉर्च वैसे हम लोग के पास होगा। ये लो भाई अपना टॉर्च, बड़ा ही अंधेरा था यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल से हम लोग आ पाएँ। थोड़ा फूड भी ईट कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सारे अपने पोकेमॉन्स को भी ईट करा देंगे, बहुत सही है। क्या यहाँ पे कौन बैठा है, अजीब है भाई ये, ब्लैक मामा टाइप का है, करेगा क्या ये मेरा।
टाल कर गए मेरे से। जाओ भाई, तुम्हारे से बाई सेल नहीं करनी। ये क्या है, निकलना चाहिए वैसे यहाँ से। कुछ खास नहीं था, हम लोगों को कुछ खास है, कुछ बड़ा पॉकीमॉन्स दिखेगा हम लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हम लोगों के साथ। निकल कर देखते हैं आगे बाहर। बाहर तो अभी अंधेरा हुआ पड़ा है भाई, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है वैसे। वैसे कुछ खास नहीं मिला, हम लोग ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ आ गए। यही है क्या भाई? वो यही है। कितना देरी से, मतलब कितना इंतज़ार किए भाई हम लोगों को। तब तक हम लोग कुछ ईट कर लेते हैं और मॉर्निंग होने देते हैं। मॉर्निंग में इसे फाइट किया जाएगा हम लोग। ठीक है, हम लोग परफेक्ट हैं, किंग पक्का। इसको तो आज धूल चटा के रहेंगे हम लोग। कितने लेवल का है? 23 हो जाने चाहिए। ठीक है, हम लोग नाइट में ही वार छेड़ देते हैं। ये अब बूम। वैसे अटैक करते करते, फाइट करते करते दिन हो जाएगा। थोड़ा बच बचा के, अजीब लग रहा है ये। जल्दी ही किल करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अरे भाई भाई, ये तो सीधा आके हमारे ऊपर जंप कर रहा है। बच के थोड़ा। ओ, ये तो खुद से जाके अपना किल करा देंगे हम। कैटरेस को भेजते हैं दोबारा से, कैटरेस ही किल कर देंगे इसका बहुत ही फास्ट। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किल करने में। ओ, अपना शील्ड गया क्या? इसका हाथ पैर कुछ है नहीं, बस चार पैर है भाई। नाइट विंग्स, वो नाइट विंग्स पर अटैक हुआ। अब नाइट विंग्स तो नहीं छोड़ेगा। हमारा शील्ड तो थोड़ा डैमेज हो गया है। बहुत सही, वैसे एक बार में इसका किल करेंगे हम लोग। बहुत सही भाई। ओ अरे भाई भाई, ये किल कर देगा हमारा। या बम पिछवाड़े पे, या पिछवाड़े पे। बहुत सही, पिछवाड़े बहुत ही आसानी से दे रहे हैं हम लोग। अभी बचे, अभी प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैप्चर किया जाए। अरे भाई, बॉल का असर ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर। जंप कर जा रहा है भाई बॉल अपना, उस पर असर नहीं कर रहा है बॉल का। वैसे अब कैप्चर तो कर लेने चाहिए। बहुत सही, क्या बात है, गन्स की तरह मार रहा है उसको। अरे भाई भाई, कैप्चर, ये हुई ना बात। ओ शिट, हमारा शील्ड डैमेज हो गया, लेकिन कैप्चर नहीं कर पाए अभी हम लोग। उसको और थोड़ा डैमेज देना है भाई। नाइट विंग्स को भेजते हैं। एक हमारा डैमेज हो गया, नाइट विंग्स हमारा ऊपर उसको भेज दिया भाई। कैप्चर अब तो हो जाने चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, कैप्चर नहीं हुआ। उसको और भी उसका किल करना पड़ेगा, तब जाके वो कैप्चर होगा। कैप्चर हो जा भाई, कैप्चर हो जा। नाइस, 1 2 3, क्या बात है। नाइस, मज़ा आ गया, कैप्चर कर लिया हम लोग। बहुत सही, अब हम लोग चलते हैं दूसरे बॉस से फाइट करते हैं। वैसे आर्मर हम लोगों का डैमेज हो गया है, देखते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इस साइड कोई रास्ता है? रास्ता तो नहीं दिख रहा है। हम लोग को नाइट विंग्स को बुलाना पड़ेगा। और वैसे उसके पहले वहाँ पर देखिए, तीन ठग्स खड़े हैं भाई। नाइट विंग्स को बुलाते हैं और ये सभी पर हम लोग आगे तो अटैक कर लेते हैं। ये हुई ना बात, एक बार में ही सारा का सारा डैमेज। हम लोग को यहाँ पे कुछ एक्सपी दिखा था अपना, कहाँ पर, ये इस साइड। नाइट विंग्स के ऊपर हम लोग बैठ के बहुत ही आसानी से ये एक्सपी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा कर लेते हैं, हम लोग दूसरे वाले बड़े पॉकीमॉन्स को पकड़ते हैं। थोड़ा दूर पे है वो, हम लोग इसी तरह चलेंगे तो उसके पास बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे वहाँ पर एक फास्ट ट्रेवलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग चलते हैं वहीं से फास्ट ट्रेवल करके। ये जो बड़ा वाला पॉकीमॉन्स है उसके पास चलते हैं। ये क्या है, यहाँ पे ठग्स भी आ गए भाई। आगे तो उतरते हैं, फाइट कर लो इनसे। वेरी गुड, नाइट विंग्स हमारा एक बार में सभी का किल कर देगा। ये डॉगीज तो उड़ते हुए एकदम से गायब हो गया। आई होप कि हम लोग को इस साइड जाना है। चलते हैं यही साइड। वैसे ये वाटर के अंदर ही कोई बड़ा वाला पॉकीमॉन्स दिखाई दे सकता है हम लोगों को। ये है, ये अजीब लग रहा है, ये छोटा है लेकिन। अरे भाई, किल कर रहा है ये। कैप्चर कर लेंगे, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा वाला पॉकीमॉन्स भी है। बहुत सही, हम लोग का लेवल 20 हो गया। आई होप कि वो उस साइड होगा। ऐसा कर लेते हैं, हम लोग अपने नाइट विंग्स को बुलाते हैं और उस पर फ्लाई करके हम लोग चलेंगे। ओ शिट, यहीं पर है भाई अजियोरोवे। कुछ ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। यहीं पर, यहीं से आगे हम लोग उतरते हैं पानी में। वो भाग रहा है वैसे, उसको हम लोग भागने नहीं देंगे आज तो। इसको कैप्चर करके रहेंगे हम लोग। लेवल 17 का है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। हम लोग का थोड़ा आर्मर डैमेज है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो थोड़ा हम लोग कुछ ईट कर लेते हैं। सारे पॉकीमॉन्स को भी अपने ईट करा देते हैं।
ये लेकिन भाग रहे भाई, अपने नाइटविंग्स को बुलाते हैं। ये किनारे पर जाने के चक्कर में है। गया, अब हमारे पर वो अटैक करेगा। ऐसा कर लेते हैं, हम लोग उतर जाते हैं। वो खतरनाक अटैक है, ये भी अटैक कर रहा है, बहुत ही खतरनाक भाई। एक भी एरो उसको लग नहीं रहा है। नाइटविंग्स हमारा बचा है, बहुत सही। उसके आइज पर ही सीधा हम लोग दिए। अब वो कहाँ जा पाएगा? उसको तो एकदम से बांध दिए हम लोग। उसके लेवल को भी हम लोग देखते रहेंगे, नहीं तो उसका किल हो जाएगा। ओह शिट, हमारा आर्मर डैमेज हो गया भाई। अपना ग्रीन वाला बॉल्स निकालते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। ओह हो जाओ भाई, हो जाओ। ये बहुत सही, नाइस, कैप्चर हो गया एक बार में ही। लगभग लगभग हम लोग हर पोकेमॉन्स को कैप्चर कर लिए। चलते हैं हम लोग वहाँ, देख लेते हैं ठग्स है वहाँ पे। देखते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं वहाँ से, किसको वो लोग कैद करके रखे हैं भाई। देखकर उनको वहाँ से हम लोग छुड़ाते हैं आगे। तो नानी याद आ गए भाई उसका एक बार में। ये भाग रहा है, कहाँ भाग के जाएगा? लो लो, सीधा मुंडी पे देंगे इसके, मुंडी पे। लो भाई, इसको हम लोग छुड़ाते हैं यहाँ से। वो तो गन्स से मार रहा है भाई हमारे नाइट विंग्स को। ये लो गया। बस बस बस, बहुत हो गया। ऐसा कि अब हम लोग को लग रहा है कि यहाँ से निकलना चाहिए अब हम लोगों को। ये देखिए ये क्या कर रहा है, इससे चला ही नहीं जा रहा है भाई। ये लग रहा है कि लिया है। ये लो, एक और देंगे तो इसका एंड हो जाएगा। ये पीछे घूम के मारने के चक्कर में था हम लोगों को, लेकिन हम लोग उसको छोड़े ही नहीं। ऐसा कर लेते हैं हम लोग नाइट विंग्स के ऊपर बैठ कर चलें क्या, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। बुलाते हैं अपने नाइट विंग्स को। आ जाओ भाई नाइट विंग्स के ऊपर बैठ के। कर क्या रहा है ये? निकलते हैं इस साइड से आगे। तो क्या है भाई, कौन अटैक कर रहा है हमारे ऊपर? यहाँ पर भी ठग्स है भाई, कितने ठग्स हैं। इनको तो हमारा नाइट विंग्स ही देख लेगा। कर क्या रहा है वो उस साइड, हमारा किल हो जाएगा ऐसे में। तो किल कर दो नाइट विंग्स वो लोगों का। नाइट विंग्स वैसे किल कर देगा। एक यहीं पे फास्ट ट्रेवलिंग का ऑप्शन है, देखते हैं कहाँ पर है वो, उसी को हम लोग अनलॉक करेंगे आगे। तो अपने नाइट विंग्स के ऊपर बैठते हैं हम लोग। दिखा वो फास्ट ट्रेवलिंग का ऑप्शन? वैसे यहाँ पर तो अभी नहीं शो हो रहा है। ये कितना क्यूट है, इसको हम लोग पकड़ेंगे ही। आगे एक अटैक देते हैं इसको। ये तो पांडा टाइप का लग रहा है, बस ज़्यादा नहीं। कैप्चर, मिल्क देगा वो हम लोगों को, नाइस। ये एक लेकिन भाग रहा है, भागने देते हैं, वो कहाँ पे भाग कर जाएगा। वैसे उसका तो किल हम ही लोग करेंगे भाई, वो भाग के कहीं जा नहीं सकता हम लोगों से। वहाँ पर भी कुछ एक्सपी है आगे, तो इसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। यो ब्रो ये देखिए, ये अजीब है, ये नाइट विंग्स से अजीब है। हमें लगा ये नाइट विंग्स है। अरे वो तो अटैक कर दिया हमारे ऊपर, लेकिन हम लोग भी अटैक किए। ओह आगे नीचे आते हैं हम लोग। एक का तो हम लोग कैप्चर करेंगे, दोनों का कैप्चर कर ले तो मज़ा आ जाएगा। किल कर रहे थे भाई सारे के सारे, लेकिन हम लोग दोनों कैप्चर कर लिए हैं। यहाँ पर भी एक केव पड़ा है, और वैसे नाइट भी होने वाला है। नाइट विंग्स को बुलाते हैं हम लोग, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से फास्ट ट्रेवलिंग का ऑप्शन वहाँ पर है, फास्ट ट्रेवलिंग को हम लोग अनलॉक करेंगे। और वहीं पर लग रहा है एक बॉस भी है आगे, तो हम लोग ये वाला फास्ट ट्रेवलिंग का ऑप्शन अनलॉक करते हैं, और अनलॉक करके चलते हैं अपने हाउस के पास आगे। ये देखिए भाई कितना खतरनाक है, इसको भी हम लोग कैप्चर कर लें क्या, मज़ा ही आ जाएगा। एक मिनट आगे, तो इसको हम लोग कैप्चर करते हैं। आ जाओ भाई, नाइट में ही इसको कैप्चर करेंगे हम लोग। ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है, लेवल 20 है इसका। हमारा नाइट विंग्स क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे अटैक करो। हमारा नाइट विंग्स भी लेवल 20 का है, दोनों मिलके आपस में फाइट करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी तो ये जाने वाला है, कैप्चर हो जाएगा ये। इसके ऊपर बॉल का असर ही नहीं हो रहा है। अरे भाई ये ग्रीन बॉल से पकड़ते हैं इसको, इससे कैप्चर हो जाना चाहिए। अब ये अभी भी नहीं हुआ भाई, कितना पावरफुल है ये, लेवल 20 है इसका, इसके वजह से लग रहा है ये कैप्चर नहीं हो पा रहा है क्या। अब तो कैप्चर हो ही जाने चाहिए। ये नाइस, क्या बात है, हो गया कैप्चर। हम लोग को थोड़ा ठंड भी लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसको अनलॉक करते हैं आगे। ये लो, यहाँ से अनलॉक हो गया फास्ट ट्रेवलिंग का ऑप्शन। अब ऐसा कर लेते हैं हम लोग चल लेते हैं अपने बेस के पास। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो न्यू वाला बड़ा वाला पोकेमॉन्स दिखा उसको कैप्चर करेंगे। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई न्यू बड़े पोकेमॉन्स को पकड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।